हाल ही में एक टर्किश प्रोफेशनल फुटबॉल गेम को रोकना पड़ गया क्योंकि फुटबॉल पर किसी ने कब्जा कर लिया था। घबराने वाली बात नहीं है, कब्जा किया था इन्होंने। सो क्यूट। थोड़ा देर मैच रुक गया था लेकिन आई रैदर वॉच दिस देन मैन प्ले फुटबॉल। विचित्र है और क्यूट भी। हाय, मैं विधि लेकर आई हूँ ऐसी ही खबरें जो है विचित्र किंतु सत्य। थोड़ी सी जो पीली है चोरी ही तो की है। ट्रू स्टोरी आ रही है आमची मुंबई से। वहां पर 19 साल का एक नॉट सो स्मार्ट चोर चोरी करने पहुंचा एक घर के अंदर। बालकनी से छलांगे मारते हुए दरवाजे तोड़ते हुए घर के अंदर घुस गया। लेकिन घर पर ना ज्यादा सामान था नहीं क्योंकि मालिक अभी तक शिफ्ट हुआ नहीं था। थोड़ा बहुत सामान था लेकिन इस चोर को उस घर में एक ऐसी चीज मिली जिसको देखकर वो लेट गया, लिटरली लेट गया। इस चोर को फ्रिज में मिली दो शैंपेन की बॉटल्स जो एक के बाद एक करके ये पी गए और उसके बाद इनको आई नींद, तो उसी घर में सोफे पर सो गए और ऐसे सोए कि होश नहीं आया। अगले दिन जब मालिक ने घर का दरवाजा खोला तो देखा अरे चोर चाकू के साथ सोफे पर सो रहा है। वाह, तो वहीं चोर के सामने उन्होंने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस आई, चोर को उठाया और फिर जेल लेके गई। वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा चोर पुलिस का चेस सीन। आई थिंक रोहित शेट्टी को ये सीन अपनी फिल्म में ट्राई करना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। एक था राजा एक थी रानी, दोनों की हो गई शादी, खत्म कहानी। लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ये है राजा और ये है उनकी रानी। जी हाँ, दोनों घोड़े हैं। अरे अभी वैलेंटाइंस डे पर बैंगलोर में एक प्यार का समर्थन वाला ग्रुप, यस प्यार को सपोर्ट करने वाला ग्रुप, उन्होंने इन दोनों घोड़ों की शादी करा दी और पूरे धूमधाम से, मतलब बाराती आए थे, बहुत खाली लोग थे, बाराती आए थे, बैंड बाजा हुआ था, प्रॉपर सेरेमनी हुई थी और दोनों घोड़े डांस भी कर रहे थे और शादी अच्छे से मनाई है क्योंकि ये कहते हैं कि प्यार को सपोर्ट करना चाहिए, प्यार है तो शादी करवानी चाहिए। और ऐसा इन्होंने पहली बार नहीं, पिछले साल वैलेंटाइंस डे पर इन्होंने दो भेड़ों की शादी करवा दी थी। वैसे ना इंसानों के बीच में डिवोर्स रेट जो बढ़ रहे हैं ना, उनको देखकर मुझे लगता है कि एनिमल वेडिंग्स आर बेटर, वही अटेंड करते हैं, एटलीस्ट दे विल लास्ट लॉन्गर। घर की सजावट करना, पेंटिंग कराना, रेनोवेशन कराना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब टाइम आता है पैसे देने का तो वहां पर ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। पैसे ना देने के बहाने ढूंढते रहते हैं लोग। अब ऐसा ही हुआ इंग्लैंड में एक पेंटर के साथ। अब इनसे पूरी बिल्डिंग की पेंटिंग करवा दी और जब इस पेंटर ने बिल दिया तो बिल्डिंग के मालिक ने बोला पैसे तो है ही नहीं, लेकिन ये पेंटर ये तो कलाकार निकले। इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपकी बिल्डिंग पर एक और पेंटिंग बना देता हूँ एब्सोल्युटली फ्री। कमाल ना, पेंटिंग बनाई, देखिए क्या पेंटिंग पर देखिए लिखा गया है, अगर पेंटिंग करवानी है तो टेरी जैसा ना बने, पैसे भरे, और अब टेरी पैसे देगा। वाह, अगर आपने भी किसी के पैसे ऐसे रखे हुए हैं तो देख लीजिए, कुछ भी हो सकता है। गुड जॉब, गुड जॉब। ऐसे ही और वीडियोस के लिए नवभारत टाइम्स के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाना मत भूलिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। और अगर ये वीडियो आप नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फटाक से लाइक कर दीजिए।